बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मानू रमजत। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की जिसका आप सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ बहरिया टाउन लाहौर के इस टाइम के बनने वाले सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक ऐसे मॉल की, जहाँ पर आपको ना सिर्फ कमर्शल शॉप्स बल्कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की भी बहुत ही खूबसूरत तैयार करदा ऑप्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं। मैंने बहरिया टाउन लाहौर को इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत दी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पूरे लाहौर में दो बड़े ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। एक उसमें से बहरिया है और एक उसमें से जो है वो DHA है। बहरिया में अगर आप देखें तो इस टाइम एक लाइफ स्टाइल कम्युनिटी बनने जा रही है। बहुत सारे यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कमर्शियल आउटलेट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो फूड बिजनेसेस हैं। बट यहाँ पे इस टाइम जैस्मिन मॉल के अलावा कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है जहाँ से आप जो है वो शॉपिंग वगैरह कर सके। उसके लिए आपको आउट ऑफ द सोसाइटी जाना पड़ता है। इस चीज़ को दूर करते हुए अब आपको बहरिया टाउन के अंदर ही रहते हुए एक ऐसा ज़बरदस्त मॉल प्रोवाइड करके दिया जा रहा है जहाँ पे आपको मल्टीनेशनल ब्रांड्स और नेशनल ब्रांड्स जैसी फैसिलिटी भी अवेल होगी। इसके साथ साथ आप फूड कोर्ट से भी फैसिलिटेट हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कवेत मॉल में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोर बहरिया किड्स हब के नेम से डेजिग्नेट कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अब आपको कवेत मॉल की लोकेशन, यहाँ पे क्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको क्या क्या अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही, ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरिया टाउन में मॉल का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको बता सकूँ कि ये मॉल जो बनने जा रहा है वो पूरे बहरिया टाउन लाहौर का इस टाइम सबसे लार्जेस्ट मॉल कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर आप अपनी यहाँ पे कोई भी कमर्शियल शॉप बुक कराते हैं या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बुक कराते हैं तो आप इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने बात की कवेत मॉल की, तो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन को डिस्कस कर लें तो लोकेशन पे भी यहाँ पे इसको बेनिफिट इसलिए हासिल है क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन थीम पार्क और आईफिल टावर को ये फेस करिए, एक साइड से फ्रंट साइड से फेस करिए और एक साइड से बैक साइड से फेस करिए। तो डेफिनेटली वो लोग जो आईफिल टावर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर की एक बहुत बड़ी तादाद बहरिया टाउन में आईफिल टावर की जैसी अट्रैक्शन को अवेल करना चाहती है, तो अगर कोई भी आईफिल टावर की तरफ जाएगा तो वो डेफिनेटली उस मॉल को ज़रूर कंसिडर करेगा क्योंकि जब एक खूबसूरत तैयार करदा डिज़ाइन मॉल उनको जो है वो अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे जाएंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, अपने जो है वो फूड को इंजॉय करेंगे। अगर आपने वहाँ पे अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ तो आप जो है वो एक गुड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कवेत मॉल लोकेशन आपको मैंने बता दी कि यहाँ पे आपको नश्तर ब्लॉक बहरिया टाउन में आपको ये मॉल जो है वो प्रोवाइड करके दिया जा रहा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मॉल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, यहाँ पे आपको 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 28 फ्लोर्स हैं वो डेवलपर्स की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 बेसमेंट्स में यहाँ पे पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि मॉल तो बना दिए जाते हैं बट वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी उस तरह से जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा एक क्योस जो है वो मच जाता है जिसकी वजह से लोग यही कोशिश करते हैं कि वो ना जाए वहाँ पर मॉल्स, क्योंकि उनको वहाँ पर उस किस्म की फैसिलिटी नहीं मिलती है पार्किंग की। लेकिन डेवलपर्स की तरफ से, जो कि इनके यूनाइटेड एक्रोस डेवलपर्स हैं, उनकी तरफ से अब आपको इस परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको 3 फ्लोर्स ऐसे हैं बेसमेंट में जो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए ही डेजिग्नेट किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो आप ईजिली अपनी कार या अपना जो भी व्हीकल है वो वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। 3 बेसमेंट्स के बाद लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट बनाकर दी जा रही है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे मूव करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो कमर्शियल शॉप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट आपके क्लॉथिंग ब्रांड्स होंगे, डिफरेंट आपके कॉस्मेटिक्स ब्रांड होंगे, जिस तरह आप देखते हैं कि लाहौर में इम्पोरियम और पैकेजेस मॉल में आपको हर ब्रांड की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद जो एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोर मेरे नज़दीक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 4th फ्लोर है बहरिया किड्स हब के नेम से। यहाँ पर आपको बहुत ही जो है इकोनॉमिकल प्राइस के बजट में रहते हुए आप अपनी कोई भी जो है वो शॉप को बुक कर सकते हैं। बहरिया किड्स हब के बाद आप 4th फ्लोर से जब आप ऊपर जाते हैं तो 5th और 6th फ्लोर पे आपको जो है फूड कोर्ट और बच्चों का प्ले एरिया भी देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको स्नूकर क्लब भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे आपको सिनेमा जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे
जो भी एक मॉल में आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो सब फैसिलिटी यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ये तो मैंने बात की इसके 6 फ्लोर तक। अगर मैं इसके 7th, 8th और 9th फ्लोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑफिसेज भी प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं। फिर मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर आप अपना कोई भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं तो ये उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन इसलिए कंसिडर की जा रही है क्योंकि आईफिल टावर, डॉल्फिन थीम पार्क, विंटरलैंड, सिनेमा इम्तियाज़, मार्ट, PSO का पेट्रोल पंप, इन सब फैसिलिटीज़ को आप कुवैत मॉल पर रहते हुए सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो प्राइम लोकेशन है अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऑप्शन को कंसिडर करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे अपना अपार्टमेंट लेने का ये है कि आपको अपार्टमेंट को खुद डिज़ाइन नहीं करके देना पड़ेगा, डेवलपर्स की तरफ से आपको फुली फर्निश्ड खूबसूरत किस्म का मॉडर्न फर्नीचर के साथ आप जो है वो अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको अपार्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो 10th फ्लोर से लेकर 28th फ्लोर तक आपको स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड की कैटेगरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म के तैयार करदा पेंट हाउसेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक ऐसा मॉल जो कि बहरिया टाउन में लोकेट कर रहा हो, बहरिया टाउन के सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कंसिडर किया जा रहा हो, फिर डेवलपर्स का एक बहुत ही अच्छा नाम हो मार्केट में, जाना पहचाना यूनाइटेड एक्ट्रोस, क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, इसके साथ साथ एक ऐसे एरिया पे जहाँ पे आपको सराउंडिंग्स में इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हो जो कि इस टाइम पूरे बहरिया टाउन की मेन अट्रैक्शन है, तो आपको वहाँ पे अपनी कोई भी कमर्शियल आउटलेट या फिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को ज़रूर बुक करवाना चाहिए क्योंकि इस टाइम जो प्राइसेस इकोनॉमिकल हैं और जैसे यहाँ पे एक दफ़ा कंप्लीशन की तरफ ये मॉल चला गया रीसेल में आपको वो वाली ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है और उस तरीके से आप वहाँ पे एक प्रॉफिट मार्जिन की अमाउंट भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इसके फर्स्ट ऑनर बनके जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे जो है बेहतरीन इन्वेंट्री बेहतरीन लोकेशन पर कंसिडर कर सकते हैं। अपना कोई भी आउटलेट या फिर कोई भी अपार्टमेंट बुक करवाने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रابطہ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।